तो फाइनली यहाँ सभी सोने के प्लानिंग में, और ऐसे अपन लोग सोते हैं बिकॉज अपन लोग को बस दो ही रूम में सोना होता है क्या, क्योंकि क्या होता है ना यहाँ एसी भी चल रहा है। सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो मैं स्वागत करना चाहूँगा आपका अपने एक नए ब्लॉग में। और अभी जाना है मार्केट बिकॉज थोड़ा सामान वामान परचेस करना है, मतलब मंथली जो लिस्ट होती है ना वो मेरे को मिल चुकी है। कहाँ है? ये रही, ये मंथली लिस्ट है, तो ये सब हमें परचेस करने जाना है, मतलब काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो इसको परचेस करके अभी अपन लोग फिर वापस आते हैं घर, फिर आपको सबसे मिलाते हो और थोड़ा मार्केट में देखेंगे, आपको दिखाऊंगा अभी कैसे बहुत ही सुंदर तरीके से नवरात्रि सेलिब्रेट हो रहा है। और इधर आर्यन पढ़ाई कर रहा है और अगेन मेरी छवि की ट्यूनिंग है। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कैसे लगता है ये पहले से इसने माइंड मेकअप था कि हाँ नहीं आज यही पहनना है इसलिए। और इधर आप देख सकते हैं इधर नया नदी कपड़ा प्रेस कर रही है, तो नया दी कपड़ा प्रेस करिए आर्यन पढ़े और अपन लोग चलते हैं इसको परचेज करके लाते हैं बिकॉज सामान खत्म हो गया ऑलमोस्ट। यस तो सर सामान वामान तो लेके अपन लोग आ चुके थे और अभी खाना वाना भी खा चुके घर में सभी खाना, और आप देख सकते हैं चेतन भी आ गया, अभी वो रेस्ट कर रहा है बिकॉज अभी हमें मंदिर जाना है हवन करने के लिए। सो मैं चेतन और चलोगे मैं चेतन और आर्यन जाने वाले हैं मंदिर हवन करने के लिए इधर, बिकॉज मम्मी उम्मी भी वहीं पर है और मम्मी को आते थे आज लेट भी हो गया पूरा, उन लोगों का 11-12 बज जाएगा रात के, तो घर में और कोई है नहीं। फिर मैं मतलब सामान लेके आया, फिर गया पापा को छोड़ने, पापा को छोड़ के पापा को मंदिर लेके गया, पापा को दर्शन कराया, फिर ऑफिस छोड़ा, ऑफिस छोड़ के फिर अपने ऑफिस गया, अपने ऑफिस जाके थोड़े बहुत काम निपटाए, काम निपटा के फिर मैं अभी घर आया हूँ, खाना खाया हूँ और अभी मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ। और इधर है छपी, अपनों को छुट्टियों से मिलवा कर तो देखो क्या है छपी, और इसने लौट के आओगे ट्विनिंग गर्ल दीदी सो रही है मोबाइल चला रही है, और इधर चल रहा है इन लोग का टीवी के साथ, तो इधर चल रही है आज का शो चल रहा है यहाँ पे, तो ये लोग अपना, तो फाइनली ये लोग अपना टीवी भी देख रहे हैं और अभी अपन लोग जाने वाले हैं बिकॉज हवन हमारे यहाँ अष्टमी को होता है वहाँ पर मंदिर को, तो हम अपन लोग जाएंगे अष्टमी को हवन करने। और ये दाढ़ी वाड़ी आप देख रहे हो थोड़ी बड़ी होकर रखी है, एक भी प्रॉब्लम क्या हो रखा है कि नवरात्रि चल रही है तो अभी मैं कटा नहीं सकता, सो दसवीं को ख़त्म होगा नवरात्रि उसके बाद मैं इसको सही कराने वाला हूँ। थोड़ा गंदा मेरे को भी ऑकवर्ड लगता है बट ठीक है यार, आप बताइए मतलब ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा, आप मतलब मेरे को कमेंट में बताइएगा कि इज लुकिंग गुड और नॉट, मेरे को कटाना चाहिए या नहीं कटाना चाहिए, बट मतलब मैं तो ऑलमोस्ट कटाने के चांसेस में हूँ, मतलब कटाना है मेरे को, बट आप बताइएगा कि इज लुकिंग गुड और नॉट। मतलब मैं आपको अभी चलते हैं मंदिर और मंदिर में हवन करके आते हैं। ओके जय हो माता रानी, जय माता रानी। सो फाइनली अभी घर जा रहे हैं यारो, और देखा जाए तो हम सभी को हवन करने को नहीं मिला बिकॉज ऑलमोस्ट सारी चीज़ें खत्म हो चुकी थी, हाँ इसलिए हवन करने को नहीं मिला, तो अभी घर जा रहे हैं। तो गाइस क्या हुआ ना कि अपन लोग मंदिर तो टाइम पे पहुंच गए थे और लाइन भी आपने देखा ही, लाइन में कितना खतरनाक अपन लगे हुए थे, बट हवन का जो टाइम था वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था, हम लोग लाइन में ही लगे रह गए थे और टाइम ख़त्म हो गया, सो इसलिए हमें हम सभी को हवन करने को नहीं मिला। मतलब चेतन भी ऐसे लौट के आया, आर्यन भी ऐसे ही आया, मतलब बहुत रस था वाकई में, गजब के लेवल का रस। और बट हाँ ऐसा नहीं है, प्रसाद मिला, हलवा मिला हमें, और हलवा मिला मतलब प्रसाद मिला हमें, हम प्रसाद लेके अभी घर आ चुके। मम्मी और दी तो वहीं पर है, वो थोड़ी लेट में आएंगी, एज आई टोल्ड यू कि हाँ वो लेट में आने वाली, तो वो लेट में आएंगी, हम लोग आ गए। और इधर मैं दिखा सकता हूँ, इधर छवि बैठी है, मतलब ज़बरदस्ती का फुटेज मार रहा, अभी देख सकते हैं आप लोग, ये एक्चुअली मम्मी का दीदी का और दीदी लोग का आज फास्ट है, सो इधर बन रहा है फलहारी पकौड़ी, पता नहीं कैसे बनता है, फूटे हुए कूटू के आटे के बनती है, तो ये फलहारी पकौड़ी ऐसे बन रही है, मतलब मैंने खाया है तो मेरे को अच्छा लगता है।
सो गाइज वेलकम बैक, और मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करना चाहूँगा अपने डे टू के सेकंड ब्लॉग में। कल अपन लोग एडिट भी नहीं कर पाए थे वीडियो को, और फिर कल आना जाना मंदिर से बहुत ज़्यादा हो गया था, और रात में करीब 3 बजे हम सब लौट के आए मंदिर से, तो इसलिए प्रॉपर ब्लॉगिंग भी नहीं हो पाई। तो सोचा मैंने सोचा क्या मैं दिखाऊँ, उसमें तो कुछ था ही नहीं, तो दैट्स व्हाई थिंक अबाउट दैट कि आपको डे टू दिखा दो। तो कल के और आज के ब्लॉग को मिला के आज का ब्लॉग आपको मिलने वाला है। और तो अभी देख सकते हैं चेतन जस्ट अभी ऑफिस से आया है, ये अभी ऑफिस से आया बिकॉज इसका ऑफिस था हाफ टाइम था, क्योंकि आज छुट्टी है, आज रामनवमी है, रामनवमी की छुट्टी है, लेकिन हाँ ऑफिस तो जाना पड़ेगा ना, तो अभी जस्ट ये ऑफिस से आया। से हाय हाय। और इधर है नैना जी और छवि, मतलब आज थैंक गॉड मेरी छवि की ट्रीटिंग नहीं हो रही है, और अभी कुछ देर पहले छवि की मम्मी की और नैना की सबकी आपस में बातचीत चल रही थी, फाइट चल रही थी कि कल एक्चुअली कल क्या था कि नया दी और मम्मी लोग बाहर थी, तो छवि पे बहुत सारे जुल्म हुए, प्रताड़ित की गई थी, तो अपने सारे जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो शेयर कर रही थी नैना के सामने, राइट। बहुत सारे जुल्म हुए कल, तो वो बताई थी कि ऐसे ऐसे उसकी मम्मी ने उसको प्रताड़ित किया, हाँ तो वो सारी बताई उसने, और वो विक्टिम के जैसे सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रही थी कि हाँ ऐसा हुआ करके, मज़ा आ गया। हाँ छवि की बेइज्जती भी हो रही थी, पापा ने भी छवि को डांटा, छवि के डैडी ने छवि को डांटा, ऐसा करके बहुत ला रही है, ओवर स्मार्ट हो गई है। छवि के डैडी ने बोला कि छवि ओवर स्मार्ट हो गई है, बताओ बेचारी को देखते हैं मम्मी लोग क्या कर रही है। ये रही इसने, ये इसने अभी आई है अभी काम वाम करके, अभी चलते हैं खाना खाने, और सभी बैठे खाना खा रहे हैं, सो मैं भी चल रहा हूँ खाना खाने। चेतन आराम से भैया, आराम से भैया, मतलब चेतन खाने में बहुत ज़्यादा बिजी है, तो अपन लोग भी चलते हैं खाना खाने, खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं। फाइनली अभी मेरा खाना खत्म हो चुका, मतलब मेरा खाना हो चुका है, और अभी दी खाना खा रही है, उसने खाना खा रही है, मतलब नया दी को खाना खाने में बहुत टाइम लगता है, मतलब नॉर्मल खाना खाने में भी एकदम 20-25-30 मिनट लग जाएंगे, और आराम से टूंग टूंग के चिड़िया के से खाती है। उधर चेतन लेटा हुआ है, मम्मी बैठी हुई है, मम्मी से ना आज मम्मी से बुलाता हूँ, मम्मी हाय। फर्जी का ड्रामा है, जो फर्जी कूदा करती है, पापा अंदर सो रहे हैं, और आज भी आज नवमी है, तो आज भी अपन लोग मंदिर जाने वाले हैं, बस मंदिर जाएंगे दर्शन करेंगे, बिकॉज आज लास्ट डे है, कल विसर्जन हो जाएगा, तो कल विसर्जन भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे यहाँ पे कैसे विसर्जन होता है, तो वो सब भी आपको दिखाने वाले हैं। और बहुत मतलब दसवीं का जो लुक होता है, जो एटमोसफेयर होता है, बहुत डिफरेंट होता है, मतलब फुल ऑफ मौज आने वाले वाकई में, तो दिखाऊँगा मैं आपको कैसे यहाँ पर दसवीं हो रहा है। और ये खड़ी है मेरी हायाबुसा, मतलब आई लव इट यार, यू नो आई टोल्ड यू आई लव इट, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। और अभी खाना खा लिया, थोड़ी पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई में थोड़ा रेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे और मंदिर जाएंगे दर्शन करेंगे, तो पढ़ाई करने के बाद मिलते हैं, तब तक लेट है, सी यू। सो गाइस वेलकम बैक, अभी तो इवनिंग हो चुका है, और टाइम हो रहा है 7 बजने के, ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं, और अभी सब बस वही प्लानिंग करें, बिकॉज पीछे मंदिर पर जाएंगे, यही सब प्लान हो रहा है, और तो आज कुछ है नहीं। मम्मी इधर बैठी हुई है, और चेतन जलेबी खा रहा है, मतलब कुछ मिल जाए खाने को, है ना, तो चेतन जलेबी खा रहा है, कृष्ण इधर है, और मम्मी इधर है, और इसने जाने वाली दिया जलाने भी मंदिर पे, नौटंकी बाज छवि नौटंकी बाज इधर है, और नैना यहाँ पे है, और आज तो कुछ ऐसा है नहीं है, बिकॉज सभी बस मंदिर को जाने के लिए एक्साइटेड है, तो अभी थोड़ी देर में मंदिर पर सभी चले जाएंगे, बिकॉज आरती होने स्टार्ट हो जाएगी, ऑलमोस्ट 8 बजे तक हो जाएगी, 1 घंटे में, तो सब उसका प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, मंदिर पर जाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। और गाइस आज का ब्लॉग, हाँ तो जल्दी तैयार होते हैं, नहा धोते तैयार होते हैं, बिकॉज मंदिर पर जाना, तो अभी फाइनली मैं नहाने जा रहा हूँ, और चेतन भी नहाएगा 15 नहा के, फिर मंदिर पर जाएंगे, थोड़ा काम वाम देख लेंगे, जो भी वहाँ का होगा तो काम देख लेंगे, और फिर देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो फाइनली यहाँ सभी सोने के प्लानिंग में, और ऐसे अपन लोग सोते हैं, बिकॉज अपन लोग को बस दो ही रूम में सोना होता है क्या, क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ एसी भी चल रहा है और सभी साथ में सोना होता है, तो इसलिए ऐसे कोई ऊपर कोई नीचे ऐसे करके एडजस्ट करके अपन लोग सो जाते हैं।
और आज के ब्लॉग को भी हम यही समाप्त करें। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। चैनल पर नए हो तो हमें सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। वी बैडली नीड योर सपोर्ट। और आज के ब्लॉग को दो दिन में ऐड किया गया, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तब तक लेटे की सी यू, टाटा, गुड नाइट, गुड नाइट।